हाय गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ एग प्लांट यानी बैगन का पौधा, जो मैंने घर में घर के बीजों से ग्रो किया है, सीड से ग्रो किया है, मैंने मार्केट से नहीं बाय किया है। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देख सकते हैं छोटे छोटे प्लांट हैं जो इजीली ग्रो हो गए हैं। तो देख सकते हैं मैंने ये जो मेरा मतलब जो घर के बनाने वाले सब्ज़ी वाले बैगन होते हैं वेजिटेबल, तो उनसे ही मैंने जो बीज होते हैं पके हुए बीजों को इस तरीके से निकाल लिया है उनको, और एक पेपर पर हम निकाल लेंगे और इसको हम ड्राई कर लेंगे। ड्राई यानी कि ऐसे रखे छोड़ देंगे, 3 से 4 दिन में ये ड्राई हो जाते हैं और अच्छे से बन जाते हैं। तो किसी भी डिब्बी में हम स्टोर कर सकते हैं इसको अच्छे से, और इन सीड की हेल्प से ही हमने इन प्लांटों को ग्रो किया है। इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, जो मतलब है ना एक्सपेंसिव नहीं करना चाहते, मार्केट से नहीं सस्ते चीज़ों में हम गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, हमारा हॉबी होता है किसी किसी का, तो हम जो घर में चीज़ें अवेलेबल हैं उनसे भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, वेजिटेबल या फ्रूट्स ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने आपको इसीलिए शेयर किया है कि आप भी अगर जो गार्डनिंग लवर हैं, जो प्लांट लवर हैं, वो इजीली घर से ही कुछ किचन से ही हमें कुछ सीड्स मिल जाते हैं, और उनको कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं, फ्रूट्स प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये जो सीड्स हैं इनको हम 3 से 4 दिन के लिए रख देंगे और ये प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमने सॉइल में इसको सीड्स को डाला था और ये 5 से 6 दिन में छोटे छोटे प्लांट हो गए थे, फिर हमने इनको अलग अलग ट्रांसफ़र कर दिया था। तो वो ट्रांसफ़र वाली वीडियो मैं स्किप हो गई है, शेयर नहीं कर पाई, बट इस तरीके से देखिए कुछ प्लांट छोटे हैं, कुछ प्लांट बड़े हैं, और मैंने एक ही पॉट में सारे उगाए थे, ग्रो किए थे, और फिर जैसे जो हेल्दी हेल्दी प्लांट मैंने काफ़ी अलग अलग जगह पे ग्रो कर दिए हैं, अलग अलग पॉट में लगा दिए हैं। तो कुछ प्लांट देखिए बड़े हैं, यहाँ पे ये बैगन भी लगा हुआ है, एक एक प्लांट में दो दो तीन तीन बैगन लगे हुए हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ फ्लावर आ रहे हैं, तो ये देख सकते हैं। और ये काफ़ी सारे अच्छे, और जो वेजिटेबल होते हैं हम घर की टेरेस पे ग्रो करते हैं या फ्रूट्स ग्रो करते हैं, उनको ग्रो करने से लेकर और जब हम हार्वेस्ट करते हैं ना, तो एक अलग ही आनंद, अलग ही हैप्पीनेस मिलती है हमको, और बहुत ही अच्छा लगता है। भले ही वो हमें 2 या 3 क्यों ना मिले, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें जो मैं खाद देती हूँ वो भी किचन वेस्ट, जैसे सूखी पत्तियाँ वगैरह जब मैं सॉइल प्रिपेयर करती हूँ तो वो मैं ऐड करती हूँ, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। और इसके साथ भी मैंने यही किया, इसमें किचन वेस्ट या सूखी पत्तियाँ और जो खाद वगैरह वो मैं देती रहती हूँ। देख सकते हैं ये छोटे छोटे फ्लावर और आ रहे हैं इसके साथ में, ये फ्लावर से ही ग्रो कर जाता है, और इसको मैंने सपोर्ट दिया है स्टिक का, बिकॉज़ ये बैगन बड़ा हो गया है तो भारी की वजह से, वजन की वजह से ये पेड़ नीचे झुक रहा है पौधा, तो मैंने इसमें प्लांट मतलब बैम्बू स्टिक का सपोर्ट दे दिया है। और ये छोटे छोटे और भी प्लांट लगे हुए हैं, सो देख सकते हैं आप ये ऐसे ग्रो किए थे और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से बड़े हो गए हैं। और पूरा प्रोसेस इसमें ये हमें 40 से 50 डेज में फ्रूट्स हमें आना स्टार्ट हो गए हैं, सो और ये 3 साल चलता है ये प्लांट, तो इसको बार बार रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है, बस सॉइल चेक करते रहिएगा, अगर सॉइल लगता है तो आप चेंज कर सकते हैं, और खाद देते रहिए, पानी टाइम पे दीजिए, तो आप घर में भी काफ़ी सारी वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं। मैंने टमाटर भी ग्रो किए हैं, बहुत सारे वेजिटेबल हैं मेरी टेरेस पे, और ये देखिए मैंने हार्वेस्ट कर लिया है, और इसका वेट है 250 से 300 ग्राम। तो 300 ग्राम बैगन हमें घर से मिल गए हैं, घर की टेरेस से, और इनकी सब्ज़ी बहुत ही यम्मी बनी थी, सो आप भी ज़रूर ग्रो कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बने रहिएगा मेरी वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी टिप्स आप मुझे शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।